नमस्कार, मैं तनिका बिन्नी, हम सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल सेक्टर 3 तलवाड़ा सातवीं कक्षा की छात्राएं हैं। हमारे हिंदी के 100 दिवसीय पठन अभियान में 11वीं सप्ताह की गतिविधि के तहत हमारी ग्रुप ए की सखी ईशा आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही है। इस कहानी को हम बाद में एक अलग मोड भी देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम ईशा है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बया और बंदर। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह अपने घर में बहुत खुश थी। सर्दी का महीना था, तभी अचानक वर्षा होने लगी। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे बंदर बारिश में भीग रहा है। तभी भैया ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, बंदर भैया, तुम तो इतने बड़े हो, तुम अपने रहने के लिए घर क्यों नहीं बना लेते। इतना कहकर भैया चुप हो गई और बंदर ने मन में सोचा कि ये छोटे से भैया मुझे बताने चली है कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना कहकर बंदर ने भैया का घर भी तोड़ दिया। शिक्षा, हमें मूर्ख को कभी भी सलाह नहीं देनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि हमारी सखी ईशा ने आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाई, तो हम इस कहानी को अपनी समझ में एक नया मोड़ देंगे ताकि इस कहानी का एक नया अंत बन पाए। जब बयान ने बंदर को बारिश में भीगते हुए देखा तो उसने उसको बंदर को अपने घर बनाने की सलाह दी। तो बंदर ने चुपचाप बारिश बंद होने के बाद बहुत मेहनत कर पेड़ पर अपना घर बना लिया। और जब अगली बारिश हुई तो बंदर अपने घर में बैठा आराम से बारिश का आनंद उठा रहा था। फिर बंदर ने बया को धन्यवाद भी किया। इस कहानी की शिक्षा है, हमें बुद्धिमान लोगों की बात माननी चाहिए। धन्यवाद।